देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। चुनाव को देखते हुए हेमंत सोरेन अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं। आज पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक जी, हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, आज सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, बड़गांई अंचल के अधीन 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की और रिमांड अवधि पूरा होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई थी उसे सही बताया गया। जबकि झारखंड हाईकोर्ट में जब सुनवाई क्रिमिनल रिट याचिका पे हुई थी हेमंत सोरेन की, उस याचिका पे सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जो वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया था कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का नहीं बनता है। जो गिरफ्तारी की गई है वो असंवैधानिक तौर पे की गई है। जिस जमीन पर कब्जा करने का या फर्जीवाड़ा मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई है उस जमीन के मूल दस्तावेज में, मूल पेपर में हेमंत सोरेन का नाम का जिक्र नहीं है। लेकिन वहीं ईडी का जो पक्ष रख रहे थे एडिशनल सोलिसिटर जनरल, उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामला शेड्यूल ऑफेंस का बनता है और हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है वो संवैधानिक तौर पे हुई है और भानु प्रताप प्रसाद जो बड़गांई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी है जिसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हुई है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भरोसेमंद सहयोगी है। तो इन दोनों की दलील को सुनने के पश्चात ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था, झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रखा था और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को सही बताया। तो झारखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा याचिका दायर की गई है, चुनौती दी गई है और उस चुनौती याचिका पर बीते 13 मई को सुनवाई हुई थी। तो 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी के द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा और उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से बहस की जाएगी और उसके उपरांत अब देखना होगा कि अदालत का क्या फैसला आता है। लेकिन जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी जो है वो शराब घोटाला मामले में हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने अंतरिम जमानत की गुहार लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। तो उसी ग्राउंड पर, उसी आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई जब शुरू होगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी। अब देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अंतरिम जमानत की मांग की जाती है या फिर जो क्रिमिनल रिट याचिका जो झारखंड हाईकोर्ट से खारिज हुआ है उस पर जो चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसी याचिका पे जब सुनवाई होगी तो उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है, फिलहाल इसके लिए तो इंतजार अभी करना होगा। जी बिल्कुल दीपक, तो देखिए सुनवाई होती है तो क्या फैसला अदालत का आता है हेमंत सोरेन को लेकर, इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।